हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल निमाय क्रिएशन। और अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आज मुझे थोड़ा लेट हो गया है और यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ और मेरे पास सिर्फ 15 मिनट टाइम है। तो चलिए मैं एक हेल्दी एंड क्विक रेसिपी शेयर करती हूँ। अरे मैं खुद को थोड़ा निहार रही हूँ। सो मैं आज जा रही हूँ बनाने महाराष्ट्र एंड एमपी का फेमस ब्रेकफास्ट पोहा, जिसके लिए हमें चाहिए गोभी, कड़ी पत्ता, प्याज, गाजर, मिर्च, कैप्सिकम, बॉयल्ड आलू एंड मूंगफली और पोहा। तो चलिए, सो मेरा पैन गर्म हो चुका है और मैंने उसमें डाला है ऑयल, ज़ीरा एंड मूंगफली को थोड़ा भून लूँगी। पहले मैं हमेशा मूंगफली को ना थोड़ा पहले ही भून लेती हूँ, क्या ना प्याज के साथ अच्छे से वो भूनता नहीं है, इसलिए देन मैं उसके बाद इसमें डालूँगी थोड़ा प्याज। प्याज को भी अच्छे से दाम होने तक भून लें। मैं ना हमेशा करी पत्ता प्याज के बाद डालती हूँ, क्योंकि पहले डालने से ना उसमें तीखे छीटे आते हैं। और यहाँ पे मैं उसी बीच मैंने पोहा को धो लिया था। आप हमेशा पोहा को ऐसे बर्तन में धोएं जिससे पानी नीचे गिरे, जैसे सब देख सकते मैंने छलनी में धोया है। इससे क्या होता है, हमारा पोहा जो ना खिला खिला बनेगा, एक में मैश नहीं होगा। सारी सब्जियों को अच्छे से भून लेंगे। मैं नमक ऐड कर दी हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिए। बहुत लोग यहाँ पे चीनी भी ऐड करते हैं थोड़ा सा, बट मेरे मीठा पसंद नहीं है। मीठा पसंद बस हड्डी के लिए मैं चीनी ऐड नहीं करती। और सर्दियों में पोहा खाने का तो मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा है ना, सारा सब्जी अवेलेबल होता है हमारे पास। और यहाँ बस मीडियम आंच पे 2 मिनट इसको ढक के पकाइए, देन मैं उसमें पोहा डाल दी हूँ। और ये थोड़ा सा हल्दी भी ऐड कर लीजिए, मैं थोड़ा क्लिप लेना भूल गई हूँ, थोड़ा हल्दी भी मैं डाल दी हूँ। आप देख सकते हैं अभी हमारा पोहा अभी इतने अच्छे से पका नहीं है। इसमें मैं क्या करती हूँ, हल्का सा पानी के छींटे मारती हूँ और इसे मैं 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर ढक देती हूँ। इससे क्या होता है, हमारा पोहा बहुत सॉफ्ट एंड खिला खिला बनता है। आप देख सकते हैं, इसे हम फिर से 5 मिनट्स के लिए ढक के रख देंगे धीमी आंच पे। और यहाँ हमारा रेडी हो गया है पोहा, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट एंड खिला खिला दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा नींबू डालूंगी, आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सेव भुजिया डाल रही हूँ, मेरे हस्बैंड को सेव भुजिया के साथ ही पोहा पसंद है और मुझे चाय के साथ। तो चलिए चलते हैं और हस्बैंड से देख से जानते हैं कैसे बना है। हमेशा की तरह मेरा हस्बैंड मेरा तारीफ करते हुए, नहीं भी लगा होगा तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो दूसरे दिन से फिर मिलना बंद हो जाएगा। सो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, आई होप आप सबको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।